ये देखिए कितनी शानदार बिल्डिंग है, और पूरे बिल्डिंग का दृश्य यहाँ से एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ता है थोड़ा दूर से। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन, जो पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, एक विश्व धरोहर स्थल है। इसकी खूबसूरत डिजाइन और रूपरेखा लंदन के सेंट पैंकार्स रेलवे स्टेशन से मिलती जुलती है, और यह बहुत ही सुंदर और भव्य इमारत है। देखिए कितनी बारीक डिजाइन बनाया गया है, देखिए कितना सुंदर। नमस्कार दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आया हूँ मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को देखने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई ही क्या, पूरे महाराष्ट्र में सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल है। टर्मिनस मुंबई आने वाले सारे टूरिस्टों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस भारत के वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थलों में गिनती की जाती है। तो देखिए बिल्डिंग कितनी सुंदर है। बिल्डिंग बड़े कलात्मक ढंग से बनाई गई है। इसकी स्थापत्य कला जो है यूरोपियन गोथिक शैली की है, और देखिए ऐसे लगता है जैसे यूरोप का कोई चर्च हो। दोस्तों, यह विशाल बिल्डिंग मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। देखिए यहाँ पर और इसके ऊपर देखिए पिलर के ऊपर एक शेर का चित्र बना हुआ है, और ताम्रपत्र लगा हुआ है विश्व धरोहर स्मारक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पूर्व विक्टोरिया टर्मिनस। दोस्तों, इस भवन का निर्माण 1878 ईस्वी में शुरू हुआ और 1888 में पूर्ण हुआ, अर्थात इस भवन को बनने में पूरे 10 साल लगे। देखिए सुंदर सिंह की प्रतिमा बनी हुई है, और इसके नीचे देखिए कितनी बारीक नक्शी काम किया गया है। देखिए दोस्तों, इस बिल्डिंग की विशेषता यह है कि इसमें जितने भी प्रकार के बूटे बनाए गए हैं, जितनी प्रकार की डिजाइन बनाई गई है, सब एक दूसरे से भिन्न है। देखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन बारीकी से निरीक्षण करने पर आपको सब एक जैसा नहीं दिखाई पड़ेगा, सारी डिजाइनें अलग अलग दिखाई पड़ेंगी। दोस्तों, जिस जगह पर यह रेलवे स्टेशन बना हुआ है, उस जगह पर मुंबई का पुराना रेलवे स्टेशन बोरी बंदर था, जहां से मुंबई और ठाणे के बीच कोयले से चलने वाली रेलगाड़ी चलती थी। अपनी अप्रतिम सुंदरता के कारण अनेक फिल्मों में इस स्टेशन के दृश्यों को अलग अलग एंगल से फिल्माया गया है, और फॉरेनर टूरिस्टों के अट्रैक्शन का मेन स्पॉट है। दोस्तों, यह इस बिल्डिंग का पीछे का हिस्सा है, देखिए कितनी भव्यता से बनाया गया है, कितनी प्रशस्त बिल्डिंग है, भव्य और शानदार। दोस्तों देखिए मुंबई की डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। दोस्तों देखिए भव्य छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस दिखाई पड़ रहा है, देखिए कितनी भव्य इमारत है। प्यासा
दोस्तों आइए इस भव्य बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और चल करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी भव्य बिल्डिंग है, आपको मैं ऊपर का दृश्य दिखाता हूँ। देखिए कितने अच्छे नक्शे काम किए गए हैं, कितने सुंदरता से बनाया गया है इस भव्य बिल्डिंग को। देखिए कितने सुंदर नक्शे काम किए गए हैं। देखिए बिल्डिंग की छत कितनी सुंदर बनाई गई है, लकड़ी की डिजाइन की गई है। देखिए खिड़कियों पर कांच लगे हुए हैं, कितना सुंदर रंगीन कांच लगाया गया है। देखिए दोस्तों इस विशाल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर कुल 18 प्लेटफार्म है, जिसमें प्लेटफार्म क्रमांक 1 से लेकर के प्लेटफार्म क्रमांक 7 तक मुंबई की जीवन रेखा कही जाने वाली, मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली इन लोकल ट्रेनों का संचालन होता है। और जो 8 नंबर से लेके 18 नंबर तक प्लेटफार्म है, 11 प्लेटफार्म, उन पर भारत से आने जाने वाली गाड़ियों का संचालन किया जाता है। दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन मुंबई का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन है। देखिए मुंबई वालों की चाल कितनी तेज रहती है, अपने काम में तत्पर रहते हैं। इस तरह से ट्रेन जा रही है, इसी तरह क्षण क्षण आने वाली और जाने वाली गाड़ियों का तांता लगा रहता है। दोस्तों गर्मी का दिन है तो दोपहर के टाइम थोड़ा भीड़ कम थी, जैसे जैसे अभी शाम हो रही है मुंबई में देखिए भीड़ बढ़ती जा रही है और ट्रैफिक रोड पर भी बढ़ता जा रहा है। देखिए इस तरह से पुलिस के जवान ट्रैफिक हटाने में लगे हुए हैं। दोस्तों अभी मैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के सामने जो रोड है उसके दूसरी तरफ आ गया हूँ और यहाँ से शायद अच्छा व्यू मिले, आपको दिखाता हूँ मैं घूम करके। रोड पे ट्रैफिक बंद है, इस तरह से देखिए एक बार बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है। देखिए कितनी शानदार बिल्डिंग है और पूरे बिल्डिंग का दृश्य यहाँ से एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ता है थोड़ा दूर से, और बगल में ही बृहन मुंबई महानगर पालिका का मुख्यालय है जहाँ मुंबई के विकास के और नागरिक सुविधाओं के बड़े बड़े निर्णय होते हैं। दोस्तों देखिए कितने सारे टूरिस्ट यहाँ आए हैं घूमने के लिए, सबके हाथ में कैमरा है, सब अपना फोटो निकाल रहे हैं। देखिए
ये है सामने बृहन्मुंबई मुंबई महानगर पालिका का मुख्यालय। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में मैंने आपको छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो पूर्व में जिसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस हुआ करता था, की बिल्डिंग दिखाई, भव्य बिल्डिंग, और जिसका निर्माण सन 1878 से प्रारंभ होकर के 1888 मतलब 10 सालों तक चला। और उस समय इसके निर्माण में जो इंजीनियर थे विल्सन वेल इंजीनियर और फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस आर्किटेक्चरल इंजीनियर थे, ये दोनों इंजीनियर मुख्य रचनाकार थे, वास्तुकार थे इस बिल्डिंग के। तो उन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया था और इस बिल्डिंग को बनाने में उनको उस जमाने में 16,14,000 रुपये का मानधन दिया गया था। दोस्तों आप सबको इस बिल्डिंग का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं दूसरे किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।